हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं मैट्रिक्स के डायगोनल्स को कैसे डिस्प्ले करें। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि मैट्रिक्स और कुछ नहीं लेकिन एक टू डायमेंशनल एरे है, यानी कि यहाँ पे हमें एक टू डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर ए 33, उसके बाद CLRSCR लिख देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 3x3 एरे डिक्लेयर किया है, उसका मीनिंग के हमारे एरे के अंदर 3 रो है एज वेल एज 3 कॉलम है, यानी कि टोटल 9 एलिमेंट्स है। अब ये 9 एलिमेंट्स को हमें यूजर के पास से इंसर्ट करवाने हैं, तो हमें स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए 00, जो हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। अभी सेकेंड एलिमेंट रीड करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए 01, जो हमें फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट रीड करके देगा। थर्ड एलिमेंट रीड करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए 02, जो हमें फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट रीड करके देगा। फोर्थ एलिमेंट रीड करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए 10, जो हमें सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। फिफ्थ एलिमेंट रीड करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए 11, जो हमें सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट रीड करके देगा। सिक्स्थ एलिमेंट रीड करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए 12, जो हमें सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट रीड करके देगा। सेवेंथ एलिमेंट रीड करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए 20, जो हमें थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट रीड करके देगा। उसके बाद एथ एलिमेंट रीड करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए 21, जो हमें थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट रीड करके देगा। और नाइन्थ एलिमेंट रीड करवाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ए 22, जो हमें थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट रीड करके देगा। अब ये सारे स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे एलिमेंट्स की रो एज वेल एज कॉलम में हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो हमने नाइन स्कैनफ स्टेटमेंट लिखे है उसकी जगह पे हम सिंगल स्कैनफ स्टेटमेंट लिखे तो भी हमारा काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक लूप ले लेता हूँ, लेट अस से फॉर लूप, और उसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ i = 0, i < 3 और i++। अब ये फॉर लूप के अंदर अगर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ तो मुझे सिर्फ 3 नंबर रीड होके मिलेंगे, लेकिन हमें टोटल 9 एलिमेंट्स रीड करवाने हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप लेता हूँ, और जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ j = 0, j < 3 और j++, और उसके अंदर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए ऑफ ij, यानी कि ये स्कैनफ स्टेटमेंट जब i की वैल्यू 0 होगी उस वक्त a00, a01 एंड a02 की वैल्यू रीड करके देगा। i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त ये स्कैनफ स्टेटमेंट a10, a11 एंड a12 की वैल्यू रीड करके देगा, एंड i की वैल्यू जब 3 होगी उस वक्त ये स्कैनफ स्टेटमेंट हमें a20, a21 एंड a22 की वैल्यू रीड करके देगा। अभी स्कैनफ स्टेटमेंट के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ परसेंटेज d परसेंटेज d, और दोनों परसेंटेज d की वैल्यू हम i और j से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम हमें एंटर a00, सेकेंड टाइम एंटर a01, थर्ड टाइम एंटर a02, फोर्थ टाइम एंटर a10, फिफ्थ टाइम एंटर a11, सिक्स्थ टाइम एंटर a12, सेवेंथ टाइम एंटर a20, एट टाइम एंटर a21 और नाइन्थ टाइम एंटर a22, ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी सपोज यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि a00 की वैल्यू 1 है, a01 की वैल्यू 2 है, a02 की वैल्यू 3 है, a10 की वैल्यू 4 है, a11 की वैल्यू 5 है, a12 की वैल्यू 6 है, a20 की वैल्यू 7 है, a21 की वैल्यू 8 है और a22 की वैल्यू 9 है। अब ये सारे एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो सबसे पहली रो के अंदर 1, 2 एंड 3 आएगा, सेकेंड रो के अंदर 4, 5 एंड 6 आएगा, थर्ड रो के अंदर 7, 8 और 9 आएगा। अभी इस मैट्रिक्स को हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर 2 डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल जो हमारा है उसके अंदर 1, 5 और 9 आता है, और सेकंड डायगोनल है जिसके अंदर 7, 5 और 3 आता है, यानी कि हमें ये दो डायगोनल्स को प्रिंट करवाने हैं।
तो अभी पहले डायगोनल के बारे में हम देखें तो उसके अंदर 1, 5 और 9 आता है। अभी 1 और कुछ नहीं लेकिन हमारे ए 0, 0 एलिमेंट है, 5 और कुछ नहीं लेकिन ए 1, 1 एलिमेंट है, और 9 और कुछ नहीं ए 2, 2 एलिमेंट है। यानी कि अगर हम ये तीनों एलिमेंट को ध्यान से देखें तो उसके अंदर रो की वैल्यू एज वेल एज कॉलम की वैल्यू सेम है। यानी कि अगर हम सभी एलिमेंट को एक्सेस करने जाए और जब भी हमें रो और कॉलम की वैल्यू सेम मिले उस वक्त हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देने हैं, अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना। यानी कि यहाँ पे मैं सिंपली ऊपर जैसे दो फॉर लूप लिख देता हूं और जिसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं कि आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, और उसके दूसरे फॉर लूप के अंदर जे इज इक्वल्स टू 0, जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस, और वहां पे मैं चेक करवा देता हूं कि अगर आई और जे की वैल्यू सेम है तो ही हमें वैल्यूज को प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें वैल्यूज को प्रिंट नहीं करवानी। तो मैं सिंपली प्रिंटएफ स्टेटमेंट के अंदर लिखता हूं परसेंटेज 5d a ऑफ आई जे, और फॉर लूप से पहले मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूं कि फर्स्ट डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल इज। अभी यही चीज को हमें दूसरे डायगोनल के लिए भी करना पड़ेगा लेकिन उस वक्त हमें कोई डिफरेंट कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम उसको कॉपी कर लेते हैं और जिसके अंदर हम मैसेज दे रहे हैं सेकेंड यानी कि सेकेंडरी डायगोनल इज। अभी यहाँ पे हम सेकेंड डायगोनल को ध्यान से देखें तो उसमें 3, 5 और 7 को हमें प्रिंट करवाना है। अभी जो ये 3 हमारे पास है उसकी रो के बारे में बात करें तो उसकी रो 0 नंबर की है और कॉलम की वैल्यू 2 है, यानी कि उन दोनों का एडिशन 2 हो रहा है। वैसे ही अगर 5 की बात करें तो उसकी रो की वैल्यू 1 और कॉलम की वैल्यू 1 है, यानी कि उसका भी एडिशन 2 है। और 7 के बारे में हम बात करें उसकी रो की वैल्यू 2 और कॉलम की वैल्यू 0 है, यानी कि उसका भी एडिशन 2 ही होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि जब रो और कॉलम की वैल्यू 2 हो यानी कि i प्लस j की वैल्यू 2 हो उस वक्त हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करवाने हैं, अदरवाइज हमें एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं करवाने। तो सिंपली मैं यहाँ पे वही लिख देता हूं कि इफ i प्लस j इज इक्वल्स टू 2 तो ही हमें वैल्यूज को प्रिंट करवानी है, अदरवाइज हमें प्रिंट नहीं करवाना है। अभी यहाँ पे जो हमने लूप ली है उसको हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर आई और जे नाम के दो वेरिएबल का हमने यूज किया है लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर आई एज वेल एज इंटीजर जे, और फिर प्रोग्राम को सेव कर देते हैं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पर मैं ए 00 की वैल्यू 1, ए 01 की वैल्यू 2, ए 02 की वैल्यू 3, ए 10 की वैल्यू 4, ए 11 की वैल्यू 5, ए 12 की वैल्यू 6, ए 20 की वैल्यू 7, ए 21 की वैल्यू 8 और ए 22 की वैल्यू 9 इसे कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है फर्स्ट यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल इज 159 एंड सेकंड यानी कि सेकेंडरी डायगोनल इज 357 जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे के लिए दोनों डायगोनल की वैल्यू फाइंड की है। अभी यहाँ पे हमने 3x3 मैट्रिक्स के लिए डायगोनल्स की वैल्यू फाइंड की है। अगर यही टास्क हमें 4x4 मैट्रिक्स के लिए करना हो तो सबसे पहले मुझे डिक्लेरेशन के तौर पे इंटीजर A33 की जगह पे A44 करना पड़ेगा। नीचे लूप के अंदर i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन 4 और j लेस देन 3 की जगह पे j लेस देन 4 करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे वाले लूप के अंदर भी i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन 4 और j लेस देन 3 की जगह पे j लेस देन 4 करना पड़ेगा। एंड लास्ट जो दो फॉर लूप है उसके अंदर भी i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन 4 और j लेस देन 3 की जगह पे j लेस देन 4 करना पड़ेगा, एज वेल एज i प्लस j इज इक्वल टू 2 की जगह पे i प्लस j इज इक्वल टू 3 करना पड़ेगा। और 3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4-1 यानी कि टोटल 4 जगह पे कॉलम की वैल्यू, 4 जगह पे रो की वैल्यू और एक जगह पे कंडीशन के अंदर हमें चेंज करने के बाद 4x4 मैट्रिक्स के डायगोनल्स प्रिंट होके मिलते हैं। और अगर इनमें से एक भी जगह पे हम चेंज करना भूल जाए तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैश डिफाइन रो 4 एंड हैश डिफाइन कॉलम 4, और जहां जहां पे भी हमने 4 लिखा है वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग जगह पे रो एज वेल एज कॉलम लिख देते हैं, यानी कि ए 44 की जगह पे ए रो कॉलम, उसके बाद नीचे आई लेस देन 4 की जगह पे आई लेस देन रो, जे लेस देन 4 की जगह पे जे लेस देन कॉलम, नीचे i लेस देन 4 की जगह पे i लेस देन रो और j लेस देन 4 की जगह पे j लेस देन कॉलम,
और उसके बाद नीचे वाले लूप के अंदर भी आई लेस देन फोर की जगह पे आई लेस देन रो और जे लेस देन फोर की जगह पे जे लेस देन कॉल। उसके बाद नीचे जो हमने i प्लस जे इज इक्वल टू फोर माइनस वन लिखा है और फोर और कुछ नहीं हमारी रो या फिर कॉलम की वैल्यू है, तो हम सिंपली वहां पे भी रो माइनस वन लिख सकते हैं। यानी कि अब सिर्फ ऊपर दो जगह पे हम रो और कॉलम की वैल्यू चेंज करें तो नीचे पूरे प्रोग्राम के अंदर उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी कि ये इंडिविजुअल जगह पे चेंज करने से थोड़ा बेटर तरीका है। अभी एक और बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जब भी हमें कोई भी मैट्रिक्स के डायगोनल्स को प्रिंट करवाने हैं उस वक्त मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी कि रो की वैल्यू एज वेल एज कॉलम की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम सिंपली यहाँ पे कॉलम की वैल्यू फोर की जगह पे कॉलम की वैल्यू रो के बराबर कर देते हैं, यानी कि अब सिर्फ रो की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो कॉलम की वैल्यू भी रो के बराबर हो जाएगी, यानी कि हमारा मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा और नीचे पूरे प्रोग्राम के अंदर उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A00 की वैल्यू 1, A01 की वैल्यू 2, A02 की वैल्यू 3, A03 की वैल्यू 4, A10 की वैल्यू 5, A11 की वैल्यू 6, A12 की वैल्यू 7, A13 की वैल्यू 8, A20 की वैल्यू 9, A21 की वैल्यू 10, A22 की वैल्यू 11, A23 की वैल्यू 12, A30 की वैल्यू 13, A31 की वैल्यू 14, A32 की वैल्यू 15 और A33 की वैल्यू 16 इंसर्ट कर रहा हूं। और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है फर्स्ट यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल इज 1, 6, 11 एंड 16 एंड सेकंड यानी कि सेकेंडरी डायगोनल इज 4, 7, 10 और 13 जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स है उसके दोनों डायगोनल को हमने मैन्युअली फाइंड नहीं किया, पर आप खुद उसको मैन्युअली फाइंड करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के स्क्वायर मैट्रिक्स के दोनों डायगोनल्स को इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।